गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मेरी रेसिपी में लंच में मैं केसरी मसाला चिकन बना रही हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा टेस्टी बनता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। ये चिकन को इस तरह से पीस करना है। मेरे दो चिकन है तो मैं दो चिकन के हिसाब से आपको मसाला दिखा रही हूँ। दो चिकन है, उसमें एक कप मैंने दूध लिया है, सॉल्ट टेस्ट मुजब, एक नींबू का रस, और आपको थोड़ा खट्टा ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची। लेकिन मैं हरी मिर्ची इसके साथ अक्खा ही डालती हूँ। मेरा एक जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और इसमें हरी मिर्ची डालना है। 50 ग्राम जितने काजू लेने हैं उसमें, और फिर इसको हम लोग को बारीक उसको पाउडर बना देना है। घी लेना है हमको, घी में वगारना है इसको। और मेरी दो चिकन है तो मैंने 5 प्याज लिए, ऑनियन लिए, और 2 टमाटर लिए इस तरह से काट के, टमाटर, कोथमीर, और प्याज को इस तरह से स्लाइस करना है। अब हम लोग कुकर में ये चिकन को डाल के उसको गर्म ये मसाला डाल के उसको बॉईल कर देंगे। पूरा मसाला डाल के हम लोग उसको बॉईल कर देंगे और उसका 1 कप सूप रखना है। चिकन का भी 1 कप सूप, 1 कप दूध इस तरह से रखना है हमको। अभी ये चिकन को मसाला डाल दिया है, नमक डाल दिया है उसमें। अब हम लोग उसको बॉईल कर देंगे और उसमें 1 कप जितना सूप रहने देंगे। ये चिकन बॉईल हो जाने के बाद मैं आगे का रेसिपी आपको शेयर करती हूँ आपके साथ। एक पतीली में हम लोग ने घी लिया है। अभी घी में हम लोग इस तरह से कटी हुई स्लाइस प्याज हम लोग डालेंगे, उसको इसको थोड़ा हल्का सा ब्राउन करेंगे इसको। मेरी 2 चिकन है इसके लिए मैंने ज्यादा प्याज लिया है। 2 चिकन में मैंने 5 प्याज लिए थे। ये हम लोग का प्याज, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है और ज़्यादा उसको ये भी नहीं करना है। अच्छे से उसको मैंने फ्राई किया है, प्याज को हल्की सी ब्राउन हुई है, आप देख सकते हो। घी में मैंने किया है उसको। अभी हम लोग उसके अंदर गरम मसाला डालेंगे, मिर्ची के पाउडर डालेंगे और थोड़ी देर उसको हलाएंगे। थोड़ा अच्छे से हिल जाएंगे दोनों मसाले, थोड़े भूनेंगे हम लोग उसको। अभी ये भी हो गया भुनना, भी चूल्हा भी हम स्लो कर देंगे। अब हम लोग उसमें नींबू का रस डालेंगे। वो जो काजू का हम लोग ने भूखा किया था वो काजू डालेंगे इसमें। इसको भी हम लोग थोड़ा भूनेंगे काजू को। ये भी भून गया हमारा। अब हम लोग उसमें 1 कप दूध डालेंगे। और 1 कप जितना हम लोग ये चिकन का सूप डालेंगे। चिकन का नाम है केसरी मसाला चिकन, तो उसका देखो आप, केसरी जैसा, केसर जैसा रंग तो आ गया है उसका, कलर आ गया है उसका। ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ी देर हिलाएंगे फिर उसमें चिकन डाल देना है। ये हम लोग ने काजू और जो मसाला सब डाला था वो भी सब अच्छे से पक गया है। अब हम लोग उसमें ये टमाटर, जो काटा हुआ टमाटर है हमारा, मैं
मैंने दो टमाटर लिए, दो चिकन में वो कटे हुए टमाटर डाल रहे हैं, चिकन जो हम लोग ने बॉईल किया था वो बॉईल चिकन डाल रहे हैं। थोड़ी देर उसको अच्छे से हिलाएंगे, थोड़ा पकने देंगे। थोड़ी गाढ़ी ऐसे थोड़ा ठीक बनाना है, जैसे लिक्विड नहीं रखना है उसको, थोड़ा ठीक बनाना है। आप देख रहे हैं अभी वो बन रही है ठीक थोड़ी। फिर उसके ऊपर अच्छे से हम लोग ज़्यादा ऐसे कोथमीर डाल के, या परोठे में खाओ या रोटी में खाओ, गरम गरम रोटी या परोठे के साथ, या बहुत टेस्ट से खा सकते हो। और बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। वैसे हमारा बन के अभी तैयार है, थोड़ा लिक्विड है तो थोड़ा वो पकेगा, चिकन अभी डालिए तो फिर बस वो तैयार है हमारा केसरी मसाला चिकन। चटपटी बनती है थोड़ी अच्छी, टमाटर नींबू के रस के हिसाब से मिर्ची डालते हैं तो थोड़ी चटपटी बनती है। ये हमारी केसरी मसाला चिकन बन के तैयार है। थोड़ा उसको हम लोग गाढ़ा करेंगे, थोड़ा सरवा उसका बहुत लिक्विड है। और फिर उसके ऊपर अच्छे से कोथमीर डालना है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी कोथमीर ज़्यादा होंगी तो अच्छा लगेगा। बस आज का हमारा लंच तैयार है, आप लोग ट्राई ज़रूर करना, बनाना भी ज़रूर, और मज़ा आएंगी आप लोग को, टेस्ट भी नया मिलेगा आप लोग को एक केसरी मसाला चिकन। ओके, ये आप देख सकते हो अभी ये बराबर ठीक हो गया है। हम लोग को परोठे या रोटी में खाने जैसा ये इसका थोड़ा सरवा भी इसका गाढ़ा हो गया है और अच्छा हो गया है। तो बस अभी इसके ऊपर हम लोग अच्छे से कोथमीर डालेंगे। चूल्हा बंद कर देंगे। ये हमारी आज की रेसिपी, आज का हम लोग का लंच बन के तैयार है।